यरोमन अन्यंग अश्मिका, हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैसे तो BTS की कोई भी न्यूज आपसे छुपी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो न्यू BTS आर्मी नहीं जानती। तो आज मैं आपको BTS मेंबर वी के बारे में एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी हमारे तेते की ही तरह हार्ट ब्रेकिंग फील करेंगे। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप बांगतन बॉयज के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि बांगतन मेंबर वी से जब भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा अपने फादर का नाम लेते हैं। और BTS आर्मी भी इस बात को जानती है कि तेते अपने फादर के सबसे ज्यादा क्लोज हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं जानते होंगे कि वी अपने फादर से भी ज्यादा क्लोज अपनी हालमोनी यानी अपनी ग्रैंड माँ के क्लोज थे, और इस बात को उन्होंने खुद एक कॉन्सर्ट में रिवील किया। दोस्तों, ये बात 2016 की है, जब बांगतन बॉयज अपने थर्ड कॉन्सर्ट टूर पर थे। उस टाइम फिलीपींस के कॉन्सर्ट में BTS आर्मी ने देखा कि स्टेज पर सभी मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन तेते स्टेज पर नहीं आए। उस टाइम BTS आर्मी ने वी के स्टेज पर आने का वेट किया, लेकिन पूरा कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वी स्टेज पर आए और उन्होंने आर्मी से माफी मांगते हुए कहा कि अभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर आर्मी काफी परेशान हो गई, जिसके बाद वी ने कहा कि उनकी हालमोनी यानी ग्रैंड माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं और वे अपने काम की वजह से उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाए। इस पूरे मौके पर तेते काफी इमोशनल थे और आर्मी से अपनी बात शेयर करते हुए कहा कि वे अपनी ग्रैंड माँ के सबसे ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि 14 इयर्स तक उन्होंने वी की देखभाल की थी। आगे वी ने कहा कि उनकी ग्रैंड माँ का सपना था कि वे तेते को टीवी पर देखें, और इसी तरह तेते का सपना था कि वे अपनी ग्रैंड माँ के साथ टीवी पर एक इंटरव्यू दें, जिसमें वो बता सकें कि उनकी ग्रैंड माँ ने उनके लिए क्या क्या किया है, और उनका ये ड्रीम अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आगे वी ने कहा कि आज वो जो कुछ भी है वो उनकी ग्रैंड माँ की ब्लेसिंग्स की वजह से है, जिसके बाद उनके सबसे क्लोज फ्रेंड और BTS मेंबर जिमिन ने उनको गले लगा लिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वी की ग्रैंड माँ उसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई जिस दिन बांगतन बॉयज ने अपने ब्लड स्वेट एंड टीयर्स सॉन्ग का फर्स्ट अवार्ड विन किया था। दोस्तों, आप सभी इस न्यूज को जानकर काफी सैड फील कर रहे होंगे, और ये भी सच है कि वी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन एज अ BTS आर्मी हम तो यही चाहेंगे कि BTS मेंबर्स ने जो भी सपने देखे हैं वो उनके सारे ड्रीम्स पूरे हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगियो।